हाँ सारा अटेम्प्ट कर लिया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने इसमें, 230 नंबर का अटेम्प्ट किया। मिलियर काफी टाइम से ट्रेडिशनल और क्लासिकल तो एडीज पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे, इट इज कंपेयरेबल पर स्कोरिंग है इसके अंदर, पर जो पढ़ के और मतलब बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं मुझे तो। आईएससी ऑब्वियसली टफ है, नहीं मॉडरेट था, इजी भी इतना नहीं, कुछ क्वेश्चन थे डिफिकल्ट। आपका नाम आकाश चौधरी। ओके, पेपर कैसा गया आपका? अच्छा हो गया आज का। ओके, बाकी सारे आपके जीएस को मिला के कंपलसरी मिला के सारे अच्छे? हाँ, GS3 और GS2 थोड़ा सा हल्का था, बाकी सब सही हुए हैं मतलब। ओके, तो आपने सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सारा अटेम्प्ट कर लिया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने इसमें, 230 नंबर का अटेम्प्ट किया। ओके, ऑप्शनल में? हाँ ऑप्शनल में। अच्छा, जैसे मैथ्स ऑप्शनल, आपने क्या सोच के चूज किया था? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मेरी PhD भी चल रही है। ओके, PhD भी करी, तो आपका तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा गया होगा। तो ये कौन सा मेंस है आपका? फर्स्ट है, फर्स्ट मेंस है। और इसके पहले अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो आपने PhD करी हुई है, तो आपने क्या क्लासेस वगैरह लिया मेंस के लिए? ना ना। ओके, मैथमेटिक्स जैसे कि क्या होता है ना, कैलकुलेशन का ऑप्शनल हो गया, तो इसमें मार्क्स वगैरह अगर आप सही से करके आते हो तो अच्छे मार्क्स भी आते हैं, मतलब जितना किया वो सारा करेक्ट है, उसमें एक नंबर भी गलत नहीं है मतलब। ओके, तो जैसे कि PYQ होते हैं, तो मैथ्स में PYQ हेल्प करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रिपीटेटिव वही पैटर्न रहता है और सेम पैटर्न रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता, और टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल रहते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। राइट, तो इसके आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना? वही एक ही बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वही आंसर राइटिंग हो जाती है, हालांकि टाइम मोड में कर सकते हो 3 घंटे का पेपर लगा के, बाकी ऐसे स्पेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे इसमें मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आप जैसे कि क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो कोचिंग वगैरह की हेल्प ही प्रैक्टिस करने के लिए? PYQ जो लगाए थे सारे के सारे सिंस 1992, एंड आपने 1992 से लगाया, अराउंड 2022 ईयर के लगाया है ना? हाँ 22 ईयर 23, नहीं नहीं सॉरी 30 ईयर अराउंड। हाँ 30, मोर देन 30 ईयर्स। तो उसमें जो है कम से कम एक पेपर में 200+ क्वेश्चंस थे एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे, और साथ ही साथ जो है बुक्स लगा लो, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो, और एक्सप्लोर कर लो थोड़ा सा चाहो। okay, तो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, सीधा क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड। राइट, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट की तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप की पॉइंट्स हो गए, वो रफ वर्क करना होता है, जैसे आपने GS में करे होंगे, बट इसमें क्या डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने स्टार्ट करते हैं? हाँ सीधे कुछ में जो है, जैसे कुछ एक में थोड़ा कैलकुलेशन रफ वर्क में करनी पड़ती है, जैसे लगे कि एंड जो है गड़बड़ हो सकता है, तो उसको पहले रफ वर्क में करने के बाद तब जो है ऐसा। पर ऐसा कोई एक आधी क्वेश्चन आता है, जैसे एक ही क्वेश्चन था इसमें आज जो है। ओके, सो इसमें जो वर्ड्स वगैरह होते हैं उसका लिमिट वगैरह तो होता नहीं होगा? इसमें तो कैलकुलेशन के जो है, इसमें तो कम समय में और कम स्पेस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, हाँ, क्योंकि तुम उसे कंप्रेस कर सकते हो, तुम इस डायरेक्ट लिख सकते हो कैलकुलेशन को, तो उसमें स्पेस की कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार हो सकता है अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो वो कम पड़ जाएगा, अगर एक एक स्टेप लिखते जा रहे हो। जैसे कि आपने टॉपर्स वगैरह के नंबर देखे होंगे इसमें, तो ऑप्शनल में हाईएस्ट कितने आए मैथमेटिक ऑप्शन? 375 आए। 375, जो कि काफ़ी कह सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, सबसे ज़्यादा इसी में ही आते। ओके, सो अभी आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया, आपने बोला कि कम टाइम लगता है, बट आपको आपने बोला कि एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया 20 मार्क का, तो ऐसा क्यों? वो आता नहीं था मेरे को, मैंने वो मतलब सब्जेक्ट ही नहीं थी, एक पोर्शन छोड़ा हुआ था मैंने बुक का, तो उसमें जो है। तो आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया कि मतलब कुछ तो उल्टा सीधा ट्राई करके आते? ना, जो 230 है ना, वो उस तरह का है कि उसमें से सिंगल मार्क्स भी नहीं कट हो सकता, हार्डली एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अगर हुआ होगा तो, नहीं तो मतलब टू द पॉइंट होता है पूरा का पूरा, उसमें प्लस माइनस नहीं होता कुछ भी। ओके, जैसे कि मैथमेटिक ऑप्शनल में अगर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बताना चाहो आप? कृष्णा सीरीज की आती हैं, और MD रायसिंघानिया उसी में से क्वेश्चन आए, और जो ये कोचिंग IMS उसके नोट्स हैं कुछ, वो नोट्स कर लो, सही हैं, अच्छे हैं, स्पेशली वेक्टर के लिए उसमें से सीधे क्वेश्चन आए ये है, और कृष्णा सीरीज की बुक्स सफिशियंट हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, रेयरली कोई क्वेश्चन आए। जैसे आपने तो PhD किया हुआ है मैथमेटिक्स का, आपका पूरा बैकग्राउंड रहा है, बट जिनका जैसे ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ लिया या फिर BSc में एक सब्जेक्ट मैथ हो गया, जैसे प्रोग्राम करते हैं तो? हाँ हाँ, कर सकते हैं वो लोग, कोई जैसे BSc लेवल का ही पेपर था, उससे ज़्यादा नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे सीधे, कोई ट्रिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं खास ज़्यादा, सीधे सीधे फार्मूला आते हैं, तुम स्टेप बाई स्टेप करते जाओ बस, जो ये BSc से ज़्यादा नहीं था ये वाला पेपर, आज का पेपर तो। Okay. इससे पहले थोड़े डिफिकल्ट आए थे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर पेपर में, इसमें भी थे,
पर चॉइस रहती है तो आप उसे सेलेक्ट ना करो। ओके, तो इसमें क्या कैलकुलेटर वगैरह यूज करने देते? बिल्कुल, कैलकुलेटर यूज रहता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में कौन सा कैलकुलेटर होता है? एक अलग सा साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसमें जरूरत नहीं पड़ी, मैं नहीं ले गया था। ओके, हाँ, सेकंड पेपर में जरूरत पड़ती है ज़्यादा, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। उसमें यूज कर सकते। ओके, सो जो मैथमेटिक ऑप्शनल लेना चाहते हैं उनको क्या सजेशन देना चाहिए? पहला तो तभी लें जब आपका मैथमेटिक्स में कमांड अच्छा हो, दूसरा जो है स्कोरिंग है, और क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चन सही या गलत होता है, या तो गलत होगा या सही होगा, ऐसा मिडिल ग्राउंड नहीं है, तो या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या फिर राइट। सो इस बार ओवरऑल मेंस कैसे रह रहे हैं, क्योंकि आपने भी काफ़ी अपने कलीग से बात करी होगी और देखा जा रहा है कि सिंपल बता रहे हैं। मैं आइसोलेशन में हूँ। अच्छा, हाँ, तो मेरे को तो सिंगल पर्सन नोन नहीं है जो मेंस दे रहा है। कैसे लग रहे हैं PYQ? आपने पूरे एनालिसिस किए ही होंगे। जैसे PYQ की कंपैरिजन में GS3 थोड़ा सा बड़ा आया था, मतलब लेंदी था, उसे टैकल कर पाना डिफिकल्ट था। GS4 भी लेंदी था, अब वो GS में डिफिकल्ट जैसा तो समझ नहीं आता कैसे डिफाइन करेंगे, पर जो है लेंदी जरूर थे काफ़ी, मतलब 3 आवर्स में उनको कंप्लीट करना काफ़ी चैलेंजिंग था। मैथ जी था जी, और लैंग्वेज पेपर्स भी जी थे, ऐसे भी सिंपल आया था, तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि GS3, GS4 ये लेंदी थे और बाकी सब नॉर्मल था। चलिए, ऑल द बेस्ट भैया। बहुत सारे बुकलेट रखे हैं जो कि वन ऑफ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेवरेट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स हैं, यानी कि हिंदी साहित्य। ये भी आप आगे बुकलेट देख सकते हैं। अब चलो मैं दिखा देता हूँ आपको वन बाई वन करके, आप देख लेना कि क्या किस में कंटेंट है। वीडियो पॉज करके स्टूडेंट बुक शॉप से आप दिल्ली से घर बैठे पार्सल मंगा सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुँचता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप पर मैसेज करिए, कॉल करिए। आप देख सकते हैं UPSC सिलेबस हिस्ट्री ऑप्शनल का दिया गया स्टार्टिंग में ही बुकलेट हो गई है, प्राचीन भारत का इतिहास। सो इस तरीके से इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलेंगे जो कि मैंने आपको दिखाए, से करीब 7000 प्लस स्टूडेंट्स ने ऑर्डर किया है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। बेस्ट क्वालिटी में जो आपको दिखाया गया वही आपको मिलेगा। ऑल दो आप व्हाट्सएप पे जब इनको मैसेज करोगे तो वहाँ पे भी आपको डिटेल में चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी। कौन सा टाइम था ये? इसमें सेकेंड अटैम्प्ट। ऑप्शनल क्या था आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कैसा रहा आपका आज का एग्जाम? मच ओके। मतलब आप इस एग्जाम को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? ओवरऑल एग्जाम या सिर्फ पबेट की बात करूं? ये जो आज आपका ऑप्शन है, पबेट था तो आई विल से इजी टू मॉडरेट। क्वेश्चंस वर बिट फैमिलियर, काफ़ी टाइम से ट्रेडिशनल और क्लासिकल तो एडीज पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार पूछे हैं। और उसके बाद जो आगे की जो थ्योरी है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, और थोड़ा उसमें अप्लाइड पोर्शन ज़्यादा था। तो आपने जो ये ऑप्शनल चुना, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुना, तो क्या सोच के आपने ऑप्शनल ये चुना? वेल एक्चुअली मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बैकग्राउंड नहीं है। फर्स्टली लोगों के अपने अपने रीजंस होते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, कंसाइज है, सो इट्स प्रिटी इजी टू रिवाइज। सेकंड अप्रोच ये होता है कि आपका जो पबेड है, हमें आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना है, तो इट विल रियली क्रिएट अ बेस फॉर अस। सो एंड काफ़ी ये सब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट भी करता है, जैसे कि GS है, GS2, तो उससे काफ़ी कुछ सिलेबस सिमिलर है, स्पेशली पेपर 2 का, तो इसलिए भी लोग चूज़ करते हैं। अच्छा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा ये सब्जेक्ट चुनना, क्योंकि आपके GS से काफ़ी सिलेबस मैच होता है एक्चुअली। एंड धीरे धीरे थोड़ी जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा आई हैव ऑल्सो डन माई मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू, तो सिमिलरली वो उसने मेरा बेस क्रिएट किया, सो इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो जो आपने तैयारी करी थी उसमें आपने क्या PYQs करे थे? PYQs तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैंने PYQs थोरली एनालाइज किए कि किस किस पोर्शन से, क्योंकि इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट एंड हमें किसी सब्जेक्ट में PhD नहीं करना है ऑफकोर्स, सो वी जस्ट नीड अ बेसिक अप्रोच कि हम उसमें 150-200 वर्ड्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख सके एंड इंटरलिंक कर सके टॉपिक्स को। तो थोरली फर्स्टली एनालाइज द PYQs एंड आफ्टर दैन जस्ट क्वेरी पार्ट्स उसको लिंक करना है विद करेंट अफेयर्स, सो इट विल वर्क फॉर। PYQs कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? PYQs मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैंने एज इट इज़ तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं होता है, बट थीम डायमेंशंस तो सेम ही होता है, सो या इट वॉज हेल्पफुल। अच्छा, तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? नेटिव प्लेस? बेसिकली आई एम फ्रॉम आगरा।
अच्छा, तो क्या आपने आगरा में रहकर प्रिपरेशन करी या दिल्ली? हाँ, मैंने आगरा रहकर भी प्रिपरेशन, मतलब लोग दिल्ली आके प्रिपरेशन करते हैं एंड मतलब आगरा काफ़ी पास है, तो क्या रीज़न रहा कि आपने दिल्ली नहीं चुना और आगरा ही चुना? ऑल्दो फर्स्टली तो मैंने कोचिंग कोई नहीं ली थी, आई हैव नॉट डन एनी फाउंडेशनल कोर्स फॉर इट, बट फॉर द टेस्ट सीरीज आई केम टू दिल्ली फॉर लाइक फॉर अ मंथ जस्ट टू जॉइन द टेस्ट सीरीज बिकॉज इट वॉज नॉट अवेलेबल देयर. सो एक ये होता है कि उनको ये लगता है कि यहाँ पे आएंगे तो एक डिसिप्लिन मिलेगा, अदरवाइज कम्प्लीटली इधर भी जब मैं आई तो मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया है. इट वॉज हेल्पफुल फॉर मी फॉर सम रीजन्स, बट इतना ज़्यादा मुझे कुछ डिफरेंस ही लगा. इट जस्ट कि आपको एक और जो बातें हम कर देंगे एनवायरमेंट ये है, आई डोंट थिंक इट्स मच इम्पॉर्टेंट. इट्स एक्चुअली डिपेंड्स अप टू यू दैट वट एवर यू वॉन्ट. तो आप घर भी कम्फर्टेबली पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हो एंड ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है. मतलब एग्ज़ाम दे के आप काफ़ी खुश लग रही हैं, मतलब काफ़ी कॉप अप शायद आपने काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी है उसके बाद आप इतनी खुश एग्ज़ाम दे के. तो मतलब क्या स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देंगे उनको क्या कहना चाहेंगे आपकी, कैसे चीज़ों से कॉप अप करें, कैसे कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करें? This examination is just like a whole process. So एक दिन में आपको result नहीं मिलता, it's like a thoroughly a very long journey. तो ups and downs तो आएंगे like a roller coaster ride. तो obviously आपको confidence रखना है खुद पर and लोगों को कुछ खुद का inherent knowledge होता है और खुद का कुछ you know ऐसे एक USB होता है, तो आप अपने उस USB को मत छोड़ो just for copying others. Like आजकल बोलते हैं टॉपर्स कॉपी पर एनालाइज करो, और तो पीपल स्टार्ट कॉपिंग इट. एक्चुअली इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप वहाँ से लिख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया है, थोड़ा हिंट दे सकते हो, बट आपका खुद का टच उसमें होना चाहिए. सेकेंड अटैम्प्ट में आपने मीन्स लिखा, इतनी बड़ी जर्नी है, इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो मतलब कैसा रहा आपका मीन्स लिखने का अनुभव? चैलेंजिंग तो रहता ही है ना, मतलब लाइक काफ़ी प्रेशर रहता है, टाइम भी कम था इस बार. अच्छा अच्छा, जो ऑप्शनल है वो क्या था आपका? मेरा हिंदी लिटरेचर. सो आपने हिंदी लिटरेचर को ऑप्शनल कैसे चुना, मतलब क्या रीज़न था हिंदी ऑप्शनल चुनने का? मतलब एक तो जो मेरा ग्रेजुएशन का वो है केमिकल इंजीनियरिंग और UPSC में अवेलेबल नहीं है, और दूसरा मतलब मेरा कॉलेज से इंटरेस्ट था उसमें, तो मैंने मतलब ठीक ठाक पढ़ा हुआ था वो. क्या हिंदी लिटरेचर कंपैरेटिव टू अदर सब्जेक्ट ईजी होते हैं? मतलब मैंने हाँ कह सकते हैं, बट जैसे बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं वो GS में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो मतलब वो इट इज़ कम्पेयरेबल, पर स्कोरिंग है नहीं इसके अंदर. पर जो आपका एग्ज़ाम था उसे आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ईजी, मॉडरेट या हार्ड? हार्ड, कुछ सिलेबस कुछ क्वेश्चन इस बार आउट ऑफ सिलेबस थे. अच्छा, PYQs हेल्पफुल थे इस बार आपके? PYQs हेल्पफुल होते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन इस बार मतलब उतना हेल्पफुल नहीं थे, कुछ एकदम बहुत नए क्वेश्चन आए. सैम्पल राइटिंग्स देखी थी आपने टॉपर्स की? हाँ, सैम्पल राइटिंग्स देखी. कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो PYQs से सिमिलर रिपीट हुआ हो? तो काफ़ी सारे होते हैं, सेक्शन में होते ही हैं ना, मतलब कितना पोर्शन है जो PYQs से आता है? मतलब सिमिलर थीम पे 56% तो होता ही है. जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रहेगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी कैसे करें? मतलब यही है कि मतलब अपने रिसोर्सेज एक तो मतलब जो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, उसको कंस्ट्रेंट एक ही रिसोर्स रखे बार बार रिविजन. और कोई सीक्रेट हो इस जर्नी को से कॉप अप करने का जो आप सबको बताना चाहते हो? पूरी जर्नी से? हाँ, पूरी जर्नी से. मतलब ऐसे सबका अपना अपना होता है, जैसे मुझे मतलब प्लेस देखना पसंद है, तो मतलब मैं महीने में एक आध प्ले देख पाता हूँ. अच्छा अच्छा, तो आप थिएटर में इंटरेस्टेड? हाँ. तो ऐसे जो आपको पसंद हो वो करें. हाँ. सो ये आपको कॉप अप करने में हेल्प करता. हाँ. है तो थैंक यू सो मच सर. नेम सर, आज आपका कौन सा ऑप्शनल था? सोशियोलॉजी. सर बेसिकली काफ़ी लोग सोशियोलॉजी को चूज़ करते हैं, तो क्या रीज़न है सोशियोलॉजी को चूज़ करने का? आसान होता है. अच्छा, कंपैरेटिवली इजी होता है, सिलेबस लिमिटेड होता है. तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा करंट चीज़ें नहीं आती, मतलब जो चीज़ें हैं वहीं चलती रहती, तो क्या ये एकदम सही है सोशियोलॉजी के बारे में? एक हद तक सही है. अच्छा. स्टैटिक ही पार्ट होता है. तो अभी आपका कौन सा अटैम्प्ट था ये? सेकेंड अटैम्प्ट. मैं मीन्स लिख रहा है, तो कैसा लगा आपको ये मीन्स लिख कर? ठीक है, मतलब ऐसे हम पिछली बार भी लिखा था, तो पिछली बार कुछ इम्प्रूवमेंट है. अच्छा, पिछली बार से आपने इम्प्रूव किया है, पिछली बार में और इस बार की प्रिपरेशन में आपका क्या चेंजेस आए? पिछली बार तो आइडिया लगाने लग गया था कि मेंस में करना क्या चाहिए. अच्छा,
तो आपने जो पिछली बार भी PYQs पढ़े होंगे, इस बार भी PYQs पढ़े? PYQ नहीं पढ़े थे। अच्छा, तो इस बार PYQs पढ़े, तो कोई डिफरेंस आया इस बार पढ़ के? और मतलब बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरे जो, तो अच्छा, तो खासकर लगभग 50% रिपीट है। 50% रिपीट होते हैं, तो क्या आपने सैंपल राइटिंग देखी थी टॉपर्स की? हाँ, टॉपर्स की और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मॉडल आंसर्स निकालते हैं उनका, उनके मॉडल आंसर्स देखे थे। मॉक्स लगाए थे आपने इसके पहले कोचिंग्स के? बाकी का नाम? लक्ष्मी। कौन सा अटैम्प्ट था ये आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिखा। आपका ऑप्शनल क्या था? हिस्ट्री। मैम, आपने हिस्ट्री ऑप्शनल में क्यों चुना? क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही इजी वे में था। अच्छा, मतलब जो ऑप्शनल स्टूडेंट्स चुनते हैं वो इजी देख के चुनते हैं या आपका उससे इंटरेस्ट है इस बेस पे आप लोग चुनते हैं? क्या था, मैंने ना एक तो कोचिंग से नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई। कहाँ से हैं आप? कोटा, राजस्थान। तो आपने कोटा ही रहकर पढ़ाई करी? नहीं, मैं जयपुर रहती थी। अच्छा, अच्छा, आपने मतलब बेसिकली अपने होम प्लेस पर रह के ही पढ़ाई करी और दिल्ली आके पढ़ाई नहीं करी? स्टूडेंट्स दिल्ली आकर पढ़ाई करना काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो क्या रीज़न रहा कि आप दिल्ली नहीं आई और जयपुर आई, और इस जर्नी में जयपुर रहने के आपके कौन से फ़ायदे रहे? ऐसा कुछ नहीं, देखो मैंने क्या RS की प्रिपरेशन की है, बट मैंने सेल्फ स्टडी की मेंस के लिए RS के बाद, तो वो अच्छा अच्छा जो आपका राजस्थान का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपने प्रिपरेशन करी और फिर आपने UPSC दिया उसमें हो गया। मैम, जो एग्ज़ाम था वो इजी, मॉडरेट और टफ, कौन सी कैटेगरी में आप उसे डालेंगे? मैम बेसिकली आपने राजस्थान PCS भी दिया होगा एंड आपने UPSC भी दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई PCS मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब कितना इजी राजस्थान PCS है और कितना टफ UPSC? हाँ नहीं, मतलब कितना ज़्यादा टफ है? बहुत टफ है। अच्छा, UPSC बहुत टफ है? फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, सेल्फ स्टडी से फर्स्ट अटैम्प्ट। अच्छा अच्छा, तो मैम आपका एग्ज़ाम आज आपने फिर क्या ऐसा रहा, आपका जो सीक्रेट ट्रिक रहा वो क्या था कि आपने पहले अटैम्प्ट में सेल्फ स्टडी के साथ मेंस दिया? सेल्फ स्टडी मतलब मेरे को लगा हो जाएगा। अच्छा, तो आपने ये तुक्का में ट्राई किया था? तुक्का में ट्राई नहीं था, बट सेल्फ स्टडी अच्छी थी मेरी, क्योंकि कम से कम डेली के 12 आवर स्टडी करना। क्या आपने PYQs लगाए थे? PYQs आपने नहीं लगाए? सो टॉपर्स राइटिंग? अच्छा, टॉपर्स राइटिंग आपने देखी, तो क्या टॉपर्स राइटिंग आपके लिए हेल्पफुल थी? हाँ। थैंक यू। कौन सा अटैम्प्ट था अभिषेक आपका? सर फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने मेंस लिखा, इतने मतलब काफ़ी लोग मेंस लिखते हैं, तो कैसे आपने पढ़ाई करी जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिख रहे हैं, और कैसा लग रहा है आपको ये फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिखा? खत्म होने जा रहे हैं एग्जाम, तो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई तो ठीक है, कंसिस्टेंसी रही, साल भर पढ़ते रहे अभी तक। आपका ऑप्शनल क्या था सर? ज्योग्राफी। सर आपने ज्योग्राफी चुना, ज्योग्राफी काफ़ी मतलब वास्ट सब्जेक्ट है, तो कैसे आपने ज्योग्राफी से कवर किया? वही साल भर धीरे धीरे पढ़ना, टॉपिक वाइज करते रहना, क्लासेस ले लेना। आपने ऑनलाइन कोचिंग? हाँ, अच्छा अच्छा। सर कहाँ से हैं आप? ग्वालियर। अच्छा, तो ग्वालियर से ही आपने पढ़ाई करी या दिल्ली में रहकर पढ़ाई? तो आपका जो आज का एग्ज़ाम था उसे आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट? मॉडरेट था, इजी भी इतना नहीं, कुछ क्वेश्चन थे डिफिकल्ट, कुछ थे उनको स्किप किया जा सकता था, लेकिन हाँ वैसे ही अटेम्प्ट। PYQs आपने लगाए थे, PYQs कितने हेल्पफुल रहे आपके? हाँ, हेल्पफुल थे, क्योंकि उसी पैटर्न में था, जो टॉपिक मेजर टॉपिक था उसी के कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्वेश्चन है जो सिमिलर रिपीट हुआ हो PYQs से? PYQs से जैसे अर्बनाइजेशन का जो हमारे कॉन्सेप्ट था वो भी, एंड जेंडर सेंसिटिव का भी कॉन्सेप्ट आया था, जो कि रिपीट। तो मतलब PYQs से आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आपने PYQs पढ़े, तो क्या आपने PYQs के दौरान टॉपर्स की सैंपल राइटिंग्स देखी हैं? हाँ देखी थी, टॉपर्स की सैंपल राइटिंग कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ की, पॉइंट वाइज की, मिक्सर, ऐसा कुछ। तो आपने कौन सी चीज़ है जो टॉपर की आंसर राइटिंग से अपने एग्जाम पेपर में डाली? वही फिगर्स, थोड़ा सा मिक्स करना है, टॉपिक पॉइंट वाइज भी लिखना है, पैराग्राफ भी लिखना है, एंड सम फिगर्स वगैरह भी पूरा। तो सर जो आप पहले अटैम्प्ट में मेंस लिख रहे हैं, तो क्या सीक्रेट है आपके इस जर्नी का जो आप स्टूडेंट्स को बताना? अभी तो मुझे खुद नहीं पता मेरा सीक्रेट, मतलब रिजल्ट बताएगा, अगर वो प्रोसेस अगर फॉलो होती है, अगर वो सक्सेस मिलता है देन। सर और क्या रीज़न था कि आपने इस जर्नी को चुना, UPSC जो इतनी वास्ट जर्नी, इतने लोग हैं, इतने चैलेंजिंग टफ पॉइंट्स आते हैं, तो उस जर्नी को आपने क्यों चुना? वही चैलेंजिंग, शुरू से ही चैलेंजिंग
रहा, सब कुछ चले, स्पोर्ट्स भी चैलेंजिंग रहते हैं, तो फिर वहीं से आप स्पोर्ट्स मैन हैं, पार्टिसिपेट करते रहे। अच्छा, अभी भी पार्टिसिपेट करते हैं? अभी तो छूट गया, 2-3 साल से छूट गया। तो अभी आप जैसे मेंटली स्टेबल रहने के लिए या फिजिकली फिट रहने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा बहुत सुबह की वॉकिंग वगैरह, शाम म्यूजिक वगैरह, इन सब का को कैरिकुलर एक्टिविटीज है। जी सर, होपफुली आप इस बार मेंस इस बार इंटरव्यू दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर।